अच्छा, कौन सी कंपनी का बच्चा रखते हो लगभग आप? ये उसका है क्या, मतलब समाल का, समाल का कंपनी से आता है। अच्छा अच्छा, तो इस पे खर्चा खुर्चा क्या आ जाता है इसको पालने में? खर्चा तो जी देखो, दाना, दाने का रेट महंगा है, दाना हिसाब से खिलाना पड़ता है। और पानी पत्तर या दवाई वाई रही तो बेतरा खर्चा बैठ जाता है फिर भी। हाँ, कुछ एरिया बता सकते हो भाई, कुछ दिल्ली में कहाँ कहाँ करते हो? नरेला में, टीकरी बॉर्डर, और इधर बवाना, उधर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सब मैं फेरी करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, जैसे कि ये जो फेरी वाले भाई साहब हैं, ये इस टाइप से गोल्डन मुर्गे और ये छोटे छोटे कॉकरेल के चिक्स बेचते हैं, तो हम इनसे जानकारी लेंगे भाई ये कौन सी वैरायटी के चिक्स हैं और ये किस तरीके से बेचे जाते हैं, क्या रेट में बेचे जाते हैं, और थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में भी जाने भाई कि किस तरीके से ये जो पोल्ट्री का जो फेरी वाला बिजनेस है ये भाई करते हैं। और ये जो भाई साहब हैं, ये दिल्ली के नज़दीक में ये फेरी का ये काम करते हैं, जो ये कॉकरेल और ये जो ऊपर गोल्डन मुर्गे दिख रहे हैं उसके ये चिक्स प्रोवाइड करवाते हैं जगह जगह जाके। तो मेरे को ये भाई दिखे थे तो मैं सोचा इनकी वीडियो शूट कर लूँ। अगर किसी भाई को कॉकरेल या फिर गोल्डन मुर्गे के चिक्स चाहिए हो तो इनसे संपर्क कर सकता है, इनके मैं नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, बाकी सारी इस भाई से हम जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्म में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाई आप ये फेरी का काम करते हो, जगह जगह घूम घूम के ये ऐसे चिक्स प्रोवाइड करवाते हो, तो भाई पहले तो ये बताओ, आपका नाम बता दो और कहां कहां आप ये फेरी का काम करते हो ये भी बता दो। मेरा नाम ब्रजेश है जी, और जी मैं दिल्ली के आसपास की फेरी करता हूँ। दिल्ली के आसपास? हाँ। कुछ एरिया बता सकते हो भाई, कुछ दिल्ली में कहां कहां करते हो? नरेला में, टीकरी बॉर्डर, और इधर बवाना, उधर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सब मैं फेरी करता हूँ। काफी दूर दूर तक जाते हो आप? हाँ जी। अच्छा भाई, ये आप ये फेरी के काम करते हो, इसमें ये जो वैरायटी ये कौन सी वैरायटी? वैरायटी ये काकरेल की होती है, गोल्डन की होती है। अच्छा, जो भारी तकड़ा होता है वजन में। तो दोनों कंपनी का बच्चा बेचते हैं हम। अच्छा, कौन सी कंपनी का बच्चा रखते हो लगभग आप? ये उसका है क्या, मतलब समाल का, समाल का कंपनी से आता है। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से आप ये बच्चे प्रोवाइड करवाते हो? हाँ जी। ये जो कॉकरेल का बच्चा है, इसकी क्या खासियत होती है? कॉकरेल का ये हल्का रहता है वजन में, गोल्डन वाला वजन में ज्यादा रहता है। अच्छा, गोल्डन वाला जो ऊपर दिख रहा है वो गोल्डन? हाँ। है, वो ज्यादा हो जाता है वजन में। हाँ जी। अच्छा, ये जो कॉकरेल का ये कितने महीने में हो जाता है बड़ा? ये होता है 2-2.5 महीने ले लेता है, 3 महीने, ऊपर वाला 1.5 महीना लेता है। अच्छा, ये 2-2.5 महीने में कितना वजन गेन कर लेता है ये जो कॉकरेल का है? ये कम से कम नहीं तो 1.5 किलो का हो जाता है जी। अच्छा, और जो ये गोल्डन मुर्गा है? गोल्डन मुर्गा हो जाता है 2-2.5 किलो का, 3 किलो का भी हो जाता है। अच्छा, 3 किलो तक का भी हो जाता है। अच्छा, इसको क्या दाना पानी आप खिलाते हो? दाना इसको खिलाते हैं, स्टार्टर बोलते हैं, फिर उसके बाद में मोटा दाना आता है, ये वहीं से फार्म में से मिलता है हमें भी, तो वही खिलाते हैं हम। वही खिलाते हो? हाँ जी। तो इस पे खर्चा खुर्चा क्या आ जाता है इसको पालने में? खर्चा तो जी देखो, दाना, दाने का रेट महंगा है, दाना हिसाब से खिलाना पड़ता है। और पानी पत्तर या दवाई वाई रही तो बेतरा खर्चा बैठ जाता है फिर भी। अच्छा भाई, आप इसमें कुछ मुनाफा भी कमाते होगे ना? हाँ जी, बस यही है और क्या, मुनाफे के ऊपर ही आदमी कारोबार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस पे भाई, चलो जो भी आपकी भाई जो दिहाड़ी है वो जरूरी है बनना, है ना? हाँ जी। तो आप क्या रुपए में ये बेचते हो लगभग आप? हम 10 रुपए का बेचते जी। 10 रुपए का बेचते हो खुला? अच्छा, अगर कोई भाई खट्टा लेना चाहे आपसे तो कम रेट कर देते जी। क्या लगभग फिर भी आइडिया? आइडिया ऐसी कोई 8 रुपए में, कोई 7 रुपए में, मतलब 9 रुपए तक दे देते हैं भाई। अच्छा, 9 रुपए तक आप दे देते हो। तो ये कॉकरेल के चिक्स हैं? हाँ। और इस तरीके से आप इसको बेचते हो? बेचते हैं। अच्छा, तो इनके भाई के ना नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, अगर किसी भाई को ऐसे कॉकरेल के या गोल्डन मुर्गे के चिक्स चाहिए हो तो इनसे संपर्क कर सकता है ना। हाँ जी। और भाई ये बताओ, जैसे आप ये फेरी वाला काम करते हो, ये लगभग कितने टाइम से कर रहे हो आप? जी मुझे तो हो गया कम से कम 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से कर रहे हो आप? हाँ जी। इस काम में भी प्रॉफिट है कुछ? हाँ जी, क्यों नहीं है, अगर 4-5 साल से कर रहा हूँ तो
जब तो टिका पड़ा हूँ। अच्छा, नहीं होता प्रॉफिट तो मैं टिकता क्यों? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, दिन के कितने बेच लेते हो आप? दिन में ऐसे 150-200 बच्चे बेच देता हूँ। 150-200 बेच लेते हो आप? उसमें एक बच्चे पे कितनी कमाई हो जाती है अपनी? हमें हो जाती है 3-4 रुपए बच जाते हैं जी। 3-4 रुपए बच जाते हैं, लगभग 450 रुपए हो गया। अगर हम 150 बच्चे बेचे 3 रुपए के हिसाब से, है ना, तो लगभग 500-400 की आपकी दिहाड़ी बन जाती दिन की। हाँ जी। अच्छा, तो इस तरीके से फेरी वाले भाई काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो आप ये काम करते हो, इसमें क्या समस्याएं आती है, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। काम में कोई समस्या नहीं आती है, बस यही है कि कुछ आदमी मना करते हैं, ना मर जाता है, जीता नहीं है। कुछ कहते हैं ना भाई, अरे हमने पाला था ये तो तगड़ा नहीं होया। अब देखो, पूरे दिन दाना पानी खिलाओगे तो पूरे दिन में तो आदमी ज्यादा खाता तो आदमी बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल, ये तो मुर्गी का बच्चा है। और इसे भी तीनों टाइम अपने हिसाब से दाना पानी लगाना पड़ता है 10-15 दिन, और उसके बाद में चाहे कितना ही खिलाओ। अच्छा, उसके बाद कितना ही खिलाओ। हाँ। अच्छा अच्छा भाई, ये कितने दिन के हैं अभी जो ये चिक्स है इसके अंदर? ये इस टाइम 4 दिन के हैं जी। 4 दिन के? हाँ। अच्छा, फिर ये कितने, एक महीने में आपने बताया कि वजन गेन कर लेते हैं? वजन डेढ़ महीने में गोल्डन का कर देता है 2-2.5 किलो का, और काकरेल करता है 2-3 महीने में हो जाता है। काकरेल भी 1.5-2 किलो का हो जाता है। अच्छा अच्छा, वैसे दिखने में एक ऐसी बनती है, अच्छी बनती है? हाँ, सफेद बनेगा बिल्कुल, बढ़िया तखड़ा वाला। अच्छा, कोकरेल सफेद बनेगा? हाँ। गोल्डन वाला? गोल्डन वाला ऐसे रहता है जी। अच्छा, ऐसा जो अभी कलर दिख रहा है? हाँ, ये कलर है, ये देखो ये। अच्छा अच्छा भाई, एक इधर आप खड़े होके दिखाओ अपने जो चिक्स की क्वालिटी है। ठीक है, तो एक आधा चिक्स उसकी निकाल के दिखाओ क्वालिटी। ये देखो भाई, से हम क्वालिटी भी देखेंगे और जांच भी लेंगे भाई, किस टाइप का दिख रहा है ये चिक्स अपना, दिखाओ। लो जी, ये देखे। देखो। हाँ, ये इसी कलर में रहेगा, कहीं से भी कहीं वैसा नहीं होने का। अच्छा अच्छा, तगड़ा रहेगा वजन में। हाँ, और बढ़िया गोल्डन। हाँ। अच्छा, खाने में तगड़ा है, खाने में कभी नहीं इसके। अच्छा, खाने में भी बढ़िया है। हाँ। एक्टिव भी फुल दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। ये देखो, चलो। हाँ, ठीक है। और ये रंग बिरंगे है, वैसे ये सफेद रंग हो जाता है? ये तो रंग करते हैं जी हम। हाँ, ये तो बच्चों के लिए कर देते हैं। अच्छा, जब खुशी में ले ले बस अब। अच्छा, अगर कोई हमारी वीडियो देख के आपको संपर्क करे तो डिस्काउंट दोगे उसे कुछ? हाँ, डिस्काउंट देंगे जी, जहाँ मंगाओगे तो वहाँ अपना खर्चा पानी काट के डिस्काउंट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो भाई जरूर बताना कि मेरी वीडियो देखी थी, ठीक है, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भाई को कम रेट दो, क्योंकि ये भी देखो अपनी दिहाड़ी बनाते घूमते हैं ना। हाँ जी। तो इनके नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और दिल्ली आसपास जो इन्होंने एरिया बताया वहाँ पे आपको ये गोल्डन मुर्गे की ये मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ। ये देखो, इस तरीके से ये फेरी का काम कर रहे हैं।